असलम व्यूअर्स मैं हूं परवेजवान अपने यूट्यूब और फेसबुक चैनल के साथ व्यूअर्स मेरे सामने इस वक्त इमरान खान का वो आर्टिकल है जिसने दुनिया में धूम मचा दी है और इंटरनेशनल कम्यूनिटी को हिला के रख दिया है झंझोड़ कर रख दिया है उनके ज़मीर को झंझोड़ के रख दिया है इस वक्त वो मेरे सामने पड़ा है उसकी उर्दू ट्रांसलेशन में आपके सामने लेके आया हूँ मैंने एहतियात के साथ इसकी ट्रांसलेशन की है ताकि इसका जो असल कॉन्टेक्सट है उसमें ही उनके मीनिंग्स को लिया जाए और इमरान खान का जो असल मकसद और असल ऐसे की ट्रांसलेशन और मफहूम है वही आप तक पहुँचाया जाए नाजरीन अभी तक अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और लाइक और शेयर भी कीजिए ताकि चैनल को भी प्रमोशन मिल सके और मेरी तमाम वीडियोस भी आप तक बर वक्त पहुँचती रहें तो आइए इसको बिला तख़िर स्टार्ट करते हैं इस इंग्लिश वर्जन की उर्दू ट्रांसलेशन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ इमरान खान अपने इस आर्टिकल में कहते हैं कि आज पाकिस्तान में वफाकी और सूबाई दोनों सतों पर निगरान हुतें चल रही हैं ये इंतजामिया आयनी तौर पर गैर कानूनी है क्योंकि पार्लियमानी असम्बलियां तहलील होने के नब्बे दिनों के अंदर इंतबात नहीं करवाए गए आवाम सुन रहे हैं कि इंतखबात आठ फरवरी को होने वाले हैं लेकिन पिछले एक साल के दौरान दो सूबों पंजाब और खैबर पे इससे इनकार कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के गुज्त माह के हुक्म के बावजूद के ये इलेक्शन तीन माह के अंदर कराए जाए वो इस बारे में शकुको शुबात में मुबतला होने में हक बजानब हैं कि आया इन इंतखाबात का भी असर होगा या नहीं मुल्क का इलेक्शन कमीशन अपने अजीब गरीब इकदाम की वजह से दागदार हो चुका है इसने न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की मुखालफत की है बल्कि इसने मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पी टी आई पार्टी की जानब से पहली पसंद के उम्मीदवारों के लिए नामजदगियों को भी मुस्रद कर दिया है पार्टी के अंदरूनी इंतबात में रुकावटें डाली हैं और महज तनकीद करने पर मेरे और पी टी आई के दीगर रहनुमाओं के खिलाफ तोहनी अदालत के मुकदमा चलाए हैं इंतखबित हों या ना हों अप्रैल 2022 में अदम के मुजहक़ा खेज़ वोट के बाद जिस तरह मुझे और मेरी पार्टी को निशाना बनाया गया इससे एक बात वाजह हो गई है कि इस्टेब्लिशमेंट यानी फ़ौज सिक्योरिटी एजेंसियाँ और सिविल ब्यूरोसी पी टी आई के लिए कोई भी लेवल प्लेंग फील्ड फ्राहम करने पर हरगिज हरगिज तैयार नहीं है आखिरकार ये इस्टेबलिशमेंट ही थी जिसने अमरीका के दबाव के तहत हमारी हुकूमत से बरतरफी का काम किया जो एक आज़ाद खारजा पॉलिसी के लिए मेरे दबाव और अपनी मसल अफवाज को अड्डे फराहम करने से मेरे इनकार से मुश्तिल हो रही थी इंतहाई अहम पॉइंट व्यूवर्स इसको मैं इन अल्फाज को मैं रिपीट करता हूँ और आप समझने की कोशिश कीजिए इमरान खान साहब कहते हैं कि आखिरकार ये इस्टेबलिशमेंट ही थी जिसने अमरीका के दबाव के तहत हमारी हकूमत से बरतरफी का काम किया जो एक कौन सी हुकूमत वो हुकूमत जो एक आज़ाद खारजा पॉलिसी के लिए मेरे दबाव और अपनी मुसल अफवाज को अड्डे फराम करने से मेरे इनकार से मुश्तर हो रही थी मैं से था कि हम सब के दोस्त हैं हम सब के दोस्त हैं लेकिन जंगों के लिए किसी के प्रॉक्सी नहीं है प्रॉक्सी का मतलब होता है कि किसी की जगह पर कोई काम करना किसी का के असिस्टेंट के तौर पर काम करना किसी की लड़ाई मतलब समझने के किसी के लिए हम लड़ें जैसे पाकिस्तान पिछले बीस सालों में लड़ता चला आ रहा है अस्सी के दाई में जयाल हक लड़ा और उसके बाद नाइनटीन नाइन्टी नाइन के बाद परवेज़ मुशर्रफ़ ने प्रोक्सी का काम किया अमेरिका के लिए और उसने अड्डे भी फ्राम किए और अफ़गानिस्तान में क्या कुछ हुआ और उसके बदले में पाकिस्तान में क्या दहशतगर्दी हुई ये सब आपके सामने ये सारा प्रोक्सी वार थी वो कहता है कि जंगों के लिए किसी के प्रोक्सी नहीं बनेंगे मैं आसानी से इस फैसले पर नहीं आया था बल्कि इसकी तश्कील पाकिस्तान को अमरीका की दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग के साथ तामन करते हुए होने वाले भारी नुकसान से हुई जिसमें कम अज़ कम अस्सी हज़ार पाकिस्तानी जाने ज़ाया हुई मार्च 2022 में अमरीकी महकमा खारजा के एक एहलकार ने वाशिंगटन डीसी में पाकिस्तान के इस वक्त के सफ़ीर से मुलाकात की इस मुलाकात के बाद सफीर ने मेरी हुकूमत को एक, सफ... एक साइफर पैगाम भेजा मैंने बाद में इस वक्त के वजीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के जरिए पैगाम देखा और बाद में काबीना में पढ़कर सुनाया फिर मैसेज में जो कुछ कहा गया था इसके पेश नजर मैं समझता हूं कि अमरीकी अलकार का पैगाम ये था कि इमरान 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 खान 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 के को, खान के खान को को पाकिस्ता, पाकिस्तान के वजीर अजम को अदम इतमाद के जरिए हुकूमत से निकालो वरना वरना के आगे डॉट्स हैं और डॉट्स का मतलब आप समझ सकते हैं चंद हफ्तों के अंदर हमारी हुकूमत का तख्ता उल्ट दिया गया और मैंने पता चलाया कि पाकिस्तान के, के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा सिक्योरिटी एजेंसियों के, के जरिए हमारे तहादियों पार्लिमानी बैंक बेंचर्स पर कई महीनों से हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही थी और वो कार्रवाई में मशहूर थे हुकूमत की इस तब्दीली के खिलाफ लोग सड़कों पर निकल आए और अगले चंद महीनों में बीटीआई टी आई ने 37 में से अट्ठाईस जिमनी बाई इलेक्शन में कामयाबी हासिल की और मुल्क में जबरदस्त रैलियां निकाली जिससे ये वाज पैगाम गया कि आवाम कहाँ खड़ी है और आवाम किसके साथ खड़ी है इन रैली ने ख़ी की शिरकत की इस सतह को रागब किया जिसकी पाकिस्तान की तारीख में मिसाल नहीं मिलती इसने इन ताकतों को बेचैन कर दिया जिन्होंने हमारी हकूमत को हटाने का काम किया था इनकी घबराहट में इजाफ़ा करने के लिए हमारी जगह लेने वाली इंतजामिया ने हमारी जगह लेने वाली इंतजामिया ने मैशत को तबाह कर दिया जिससे अठारह माह के अंदर गैर मामूली अफ़रात जर और करंसी की कदर में कमी वाक़ हुई इसका तजाद सब के लिए वाज था पी टी आई की हुकूमत ने ना सिर्फ पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया था बल्कि कोविड नाइन्टीन वबाई मर्ज से निपटने के लिए बैन अवी सतह पर तारीफ भी हासिल की थी इसके अलावा अजनास की कीमतों में इजाफे के बावजूद हमने मीशत को 2021 में 5.8 परसेंट और 2022 में 6.1 परसेंट की हकीीकी जी डी पी की तरफ हम लेकर गए आगे चलकर इमरान खान साहब कहते हैं बद कि बदकस्मती से इस्टबलिशमेंट ने फ़ैसला कर लिया था कि मुझे दोबारा इतदार में आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी इसलिए मुझे सियासी मंजरनामे से हटाने के तमाम तरीके इस्तेमाल किए गए मेरी जिंदगी पर दो कातलाना हमले हुए मेरी पार्टी के रहनमाओं कारकुनों और सोशल मीडिया के कारकुनों को मावन साफियों के साथ अगवा किया गया कैद किया गया तशद का निशाना बनाया गया और पी टी आई छोड़ने के लिए दबाव डाला गया इनमें से बहुत से लोग बंद हैं जब भी अदालतें इन्हें जमानत देती हैं या रिहा करती हैं तो इन पर नए अल्ज़ाम लगाए जाते हैं इससे भी बदतर बात यह है कि मौजूदा हुकूमत खातान को सियासत में हिस्सा लेने से रोकने की कोशिश में पी टी आई की खुतिन रहनुमाओं और कारकुनों को डराने और धमकाने के लिए हथकंडे इस्तेमाल कर रही है मुझे तकरीबन दो सौ कानूनी मुकदमात का सामना है नाजरीन दो सौ कानूनी मुकदमात। इंसानी तारीख में किसी पॉलिटिशन पर और वजारत उजमा पर रहने के जैसे मनसब पर रहने वाले फ़र्द के ख़िलाफ़ दो सौ से ज़्यादा मुकदमा जिनमें से साबित एक भी नहीं हो सका मुझे तकरीबन दो सौ कानूनी मुकदमा का सामना है और खुली अदालत में आम ट्रायल से इनकार कर दिया गया है नौ मई दो हज़ार तेईस को एक जूटे फ्लैग ऑपरेशन जिसमें दीगर चीज़ों के अलावा फ़ौजी तनसीबा पर आतशदगी का इल्ज़ाम पर लगाया गया जिसके नतीजे में 48 घंटों के अंदर कई हजार गिरफ्तारियां अगवा और किए गए। इन की रफ्तार ने जाहिर किया कि ये पहले से मनसूबा तय किया हुआ था आगे चलकर खान साहब कहते हैं कि इसके बाद हमारे बहुत से रनुमाओं को तद का निशाना बनाया गया या इनके अहल खाना को प्रेस कॉन्फ्रेंसों और इंजीनियर्ड टेलीविजन इंटरव्यूज में ये पर मजबूर किया गया कि वो पार्टी छोड़ने जा रहे हैं। कुछ को दूसरी नई बनने वाली सियासी जमातों में शामिल होने पर मजबूर किया गया और कुछ को मजबूर किया गया कि वो मेरे खिलाफ झूठी गवाही दें जैसे नाजरीन आजम खान ने उनके खिलाफ गवाही दी वादा खिलाफ गवाह बने इन सब के बावजूद पीटीआई मकबूल तरीन जमात है दिसंबर में होने वाले पिटिन कोलेशन थर्टी एट के पोल में सिक्सटी सिक्स परसेंट हमायत के साथ मेरी ज़ात की दर्जा बंदी इससे भी ज़्यादा है यानी कि जो पोल हुआ था उसमें सिक्सटी सिक्स परसेंट अवाम ने हमायत की थी पी पी टी आई की और जी तौर पर इमरान ख़ान की जो मकबूलियत है वो इससे भी ज़्यादा है अब इलेक्शन कमीशन पार्टी को इलेक्शन लड़ने के हक़ से महरूम करने के लिए हर तरह की गैर कानूनी चालों में मुल्वस है अदालतें रोज़ बरोज़ अपना अतबार खुदती नज़र आ रही हैं ये इमरान ख़ान के अल्फाजर्स मेरे नहीं है जो मैं आप तक कन्वे कर रहा हूं मैं तो एक मीडिया का रोल प्ले कर रहा हूं दरीसना करप्शन के इल्जाम में सजा या सबक वजीरजम नवाज शरीफ बरतानिया से वापस आ गए हैं जहां वो पाकिस्तानी इंसाफ से मफरूर की हैसियत से रह रहे थे नवंबर में एक पाकिस्तानी अदालत ने सजा को काल अदम कर दिया है कि नवाज शरीफ ने, ने के साथ एक मादा किया है जिसके तहत वो इनकी बरीयत की हिमायत करेगी और आइंदा इंतबात में अपना वज़न उनके पलडे में डालेगी यानी कि नवाज़ शरीफ के पलड़े में इस्टबलिशमेंट अपना वज़न डालेगी लेकिन अब तक आवाम पी टी आई की हमायत और इसके सेलेक्ट को मुस्रद करने से आवाम को रोका नहीं जा सका यानी कि अभी तक आवाम को पी टी आई के ना तो हमायत से रोका जा सका है और ना इस्टेबलिशमेंट के सेलेक्टेड को हमायत करने के लिए तैयार किया जा सका है दिस से इन हालात में आठ फरवरी को हो सकते हैं के अलावा तमाम जमातों को आजादाना चलाने की इजाजत दी जा रही है मैं गद्दारी के मज्क खेज अल्जाम में कैद तनहाई में कैद रहता हूँ हमारी पार्टी के वो चंद रानु जो आजाद रहते हैं और अंडर वो अंडरग्राउंड होते हैं इन्हें मुकामी वर्कर्स कन्वेंशन भी करने की इजाज़त नहीं है जहां पीटीआई के कारकुन इकट्ठे होने में कामयाब होते हैं इन्हें पुलिस की वैश जहाँ भी पीटीआई के कारकुन इकट्ठे होने में कामयाब होते हैं इन्हें पुलिस की वैशाना कार्रवाई का सामना करना पड़ता है इस मंजरनामे में अगर इंतबात हुए भी तो ये एक तबाही और एक मजाक साबित होंगे क्योंकि पी टी आई को इंतबी मुहिम चलाने के इस बुनियादी हक से महरूम रखा जा रहा है इलेक्शन का ऐसा मजाक मजीद का बायस बनेगा ये बदले में पहले से गैर मुस्तकमी को मजीद गैर मजीदकम कर देगा पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ने का अमल रास्ता मुनफाना और आजादाना इंतबात हैं जो सियासी इस्तेकाम और कानून की हुक्मरानी को वापस लाने के साथ साथ एक मकबूल मैंडेट वाली जमहूरी हकूमत की जानब से अशद जरूरी असलाहत का आगाज करेंगे और यही वो रिफॉर्म्स हैं जो पीटीआई के चेयरमैन करना चाहते थे और उसको करने नहीं दी गई थी और इसी का अजहार इन अल्फाज में पीटीआई कर रही है और चेयरमैन पीटीआई कर रहे हैं पाकिस्तान के पास अपने आप को दरपेश बुरानों से छुटकारा पाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है बदकिस्मती से जमहूरीत को रोनते हुए हम इन तमाम महाज़ों पर मुखालफ समतों में जा रहे हैं नाजन ये है उस आर्टिकल की उर्दू ट्रांसलेशन जो मैंने आपके सामने रखी है इसके एक एक लफ्ज़ पर गौर कीजिएगा इसको बार बार सुनिएगा और देखें कि इमरान ख़ान ने किस खूबसूरती के साथ इनके तमाम मनसूबों पर पानी फेर दिया है क्योंकि इंटरनेशनल कम्यूनिटी बहुत मैटर करती है और इससे जो प्रेशर पाकिस्तानी गवर्नमेंट पर आ रहा है वो ये बियर नहीं कर सकेंगे अगली वीडियो तक तो इजाज़त दीजिए बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़